होंडा सिटी 1.5 एस्पायर मैनुअल। ये वो सिटी की जनरेशन है जो पाकिस्तान में 11 साल तक चलती रही। ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2009, सिंस देन इट रिसीव्ड मल्टीपल अपग्रेड्स इंक्लूडिंग द वन विद द रेवोल्यूशनरी शार्क फिन एंटीना। वो तो होंडा की कमाल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन एक्चुअली इसकी सक्सेस की रेसिपी क्या थी? पावर, फ्यूल इकोनॉमी या फिर प्रैक्टिकलिटी? इट्स सेफ टू से दैट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। आज हम इस गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि 2023 में ये कैसा परफॉर्म करती है। सो लेट्स गो। एक होंडा सिटी है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये 1.5 एस्पायर मैनुअल है। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो ये दो जनरेशन्स पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक जनरेशन पुरानी है। और इस गाड़ी को आज रिव्यू करने की वजह ये है कि इसके जो ओनर हैं, ही इज़ अ ड्राइविंग एंथुजियास्ट, और उन्होंने अपने लिए ये गाड़ी इसलिए ली बिकॉज उन्हें मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद है। और पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मेरे भी कज़न के पास एग्जैक्टली सिमिलर गाड़ी थी, और वाकई इस गाड़ी को चलाने का अपना मज़ा है। मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑफ कोर्स एक मज़ा अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैफिक कंडीशंस हो चुकी हैं, हम लोग ऑफ कोर्स सुस्त भी होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। वी आर गोइंग टू प्रेफर ऑटोमेटिक कार्स, बट आज ही मैनुअल चला के देखते हैं कि मैनुअल में क्या मज़ा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि मैनुअल गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर होती है। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर ये जो DRLs लगी हुई हैं, ये ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट हैं। अब तो खैर ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ये स्प्लिटर लगा हुआ है। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि ये गाड़ी मॉडिफाइड नहीं है, सिवाय एग्जॉस्ट के इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ हुआ। इट्स एन एब्सोल्युटली स्टॉक कार। सिर्फ इसके ऊपर ये थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताई हैं। प्लस ये ब्लैक ग्रिल है, इन्होंने इस गाड़ी के जो रिम्स हैं वो भी चेंज किए हुए हैं। टोटली एक गाड़ी को साइड से ब्लैकआउट लुक दी हुई है, और यहाँ पे इन्होंने हैंडल्स के ऊपर क्रोम के ट्रिम्स लगाए हुए हैं। और गाड़ी उन्होंने अपनी तरफ से अपने टेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली एक लुक के अंदर निकाली हुई है। और बैक पे ये जो आपको इसकी टेल लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये भी ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स हैं। यहाँ पे इसका एक छोटा सा इन्होंने स्पॉयलर भी लगाया हुआ है। और ये जो इसकी ट्रिम है, ये यूजली क्रोम फिनिश के अंदर होती है, बट अगेन सिंस ही ऑप्टेड फॉर अ ब्लैक आउट लुक, तो उन्होंने इसको भी ब्लैक किया हुआ है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर रेयर पे भी आपको पूरी किट तो नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन आपको स्मॉल फ्रैक्शनल स्प्लिटर्स नज़र आ रहे होंगे गाड़ी के अंदर। और अगर आप इस गाड़ी के एग्जॉस्ट को देख के समझ रहे हैं कि ये गाड़ी ट्यून्ड है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन है, तो लाइक आई सेड अर्लियर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली स्टॉक गाड़ी है, सिर्फ एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। पावर फिगर्स की बात करें तो इसका जो 1.5 इंजन है उसमें 118 HP है और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। और अब शाहिल आपको ओनर के साथ इस गाड़ी के एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे लेके जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैनुअल गाड़ी में वैसे काफ़ी देर बाद चला रहा हूँ, सो लेट्स सी कि गाड़ी बंद होती भी है कि नहीं। एनीवे, मैनुअल इसकी मुझे जहाँ तक याद है, मैंने इसको पहले भी बहुत एक्सटेंसिवली वैसे चलाया था, और इसकी मुझे शिफ्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। गियर में आपको बिल्कुल भी, अगर आप थोड़ी सी भी बेहतर गाड़ी चलाते हैं तो जर्क ऐसे महसूस नहीं होता। फिर ये क्योंकि इसका 2013-2014 मॉडल ईयर है, इस वजह से इसका जो मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो रेड कलर में था, ऑरेंज या रेड, और इसके बाद इसमें जो फेसलिफ्ट आया था तो वो भी चेंज हो गया था। सो ये एक बहुत इसमें माइनर सा डिफरेंस था जो होंडा ने दिया था। एक और भी डिफरेंस था जहाँ तक मुझे याद है, वैसे वो इस गाड़ी में भी है, कि ब्रेक लाइट जो है तीसरी, प्रॉबेबली समवेयर अराउंड 2011 लॉन्च हुई थी, तो वो इस गाड़ी में है। वरना जब ये 2009 में इनिशियली गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो इसमें जो आपके पास सेंटर माउंटेड ब्रेक लाइट होती है वो भी नहीं थी। तो होंडा ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग की थी, और उसी के साथ साथ ये जो ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट है ये भी फिर बाद ही में ऐड किया गया था। लेकिन आई थिंक ये जो 2014 वाली मॉडल ईयर था, ये एक स्वीट स्पॉट थी कि बहुत ज़्यादा आपने आगे जाके गाड़ी भी नहीं खरीदी और उसमें फीचर्स आपको मोर और लेस दे दिए गए थे। फिर इसके अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए, 2018 तक जो दिया जा रहा था उसमें और इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्लूटूथ के थ्रू आप प्ले करते थे, हाँ एप्पल कार प्ले नहीं है इसमें। इसका हम एक डिटेल रिव्यू पहले भी बना चुके हैं,
जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट बैनर। और उसमें हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया था इस गाड़ी का, पीओवी ड्राइव भी की थी और कैबिन इंसुलेशन टेस्ट भी किया था। कैबिन इंसुलेशन से जो एक और चीज़ मुझे याद आई है वो इसकी रोड नॉइज़ है। करंटली ये स्पेसिफिक गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा कि आफ्टर मार्केट व्हील्स पे है, तो इसकी थोड़ी सी टायर की विड्थ भी ज़्यादा है, योकोहामा पे चल रही है, और उसके अलावा जो रिम का साइज़ है ऑल्दो वो तो सेम है लेकिन रिम इटसेल्फ चेंज हुआ है। तो मुझे रोड नॉइज, लेट्स से आई एम करंटली क्रूजिंग एट 60, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन जो इसमें स्टॉक टायर्स आते थे उसकी विड्थ बहुत कम थी। सो बैक इन द डे इसमें आपको 175 मिलीमीटर की विड्थ सी जा रही थी टायर्स में, वो स्टॉक साइज था। और जब ये होंडा ने लॉन्च की थी मैं यही सोच रहा था कि आपने 100 हॉर्स पावर के साथ इतना छोटा सा टायर दे दिए। तो उसके बाद खैर ये जब एस्पायर आई थी 1.5, इसमें पावर का भी इंक्रीज था और टायर जो था वो इन्होंने फिर भी स्टॉक साइज के रखा था। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में मुझे तो ऐसे इसकी इंजन परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लगी है, एंड हमने इसका ड्रैगी का भी क्वार्टर माइल टेस्ट करके चेक किया और इस वीडियो के शुरू में आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। उसी के साथ साथ हमने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस भी लगाई थी, वो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करें, जो ऑटोमेटिक 1.8 सेविक इंजन वर्सेस दिस मैनुअल कार। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो तो आप जब रेस देखेंगे आपके सामने तभी आएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी भी तरह से आपको परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में एक गाड़ी लेट डाउन नहीं करती है। अब ब्रेकिंग भी एक बहुत क्रूशल पार्ट है ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, तो इसकी मुझे ब्रेकिंग भी बेहतर लगती है। एट द टाइम जो इसके साथ के की कंपेटिटर्स थे वो आपके पास आई थिंक तब GLI आ रही थी, विच यूज टू बी इधर ऑटोमेटिक या मैनुअल, और अदरवाइज आप इसको कंपेयर कर सकते थे वो 1.6 एल्टिस के साथ। उन दोनों के मुकाबले में जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इसकी रिलेटिवली बेहतर है। हाँ, अगर आप सिविक के साथ कंपेयर करेंगे जो टेंजन है यूज्ड में, उसकी ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी की शेप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एरोडायनामिक्स भी बहुत मैटर करते हैं, सो उसकी ब्रेकिंग इससे बेहतर है। लेकिन अगेन नो कंप्लेंट सो फार, ब्रेकिंग वाइज गाड़ी चलाने के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ज़रा बम्पी रोड से गाड़ी को गुजार रहा हूँ और इसमें जो जर्क है सस्पेंशन का वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था इवन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब भी, और आप जैसी गाड़ी की थोड़ी सी एज बढ़ती है आप तब भी यही चीज़ फील करेंगे कि गाड़ी में आपको झटके महसूस होते हैं। अब यू कैन चेंज द टायर्स उसे थोड़ा सा मफल डाउन करने के लिए, लेकिन आई डाउट कि बहुत ज़्यादा कोई आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन ये गाड़ी फिर भी रफ़ एंड टफ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे रफ़ पैचेस पे बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो जवाब दे जाएगी। बस ये है कि ड्राइवर तक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, लेकिन एज सच ड्यूरेबिलिटी में कोई इतना मसला नहीं है। सवियर्स, अब मैंने अपने जो ड्राइविंग इंप्रेशन हैं वो तो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन जो ऑनर का परस्पेक्टिव होता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हैदर जो है वॉज वेरी काइंड कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है और अब हम इनसे भी इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो हैदर, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि गाड़ी आपने कब खरीदी थी? ये गाड़ी हमने ली थी 2017 के एंड में। ओके। और हम सेकंड ओनर थे। ओके। उससे पहले हमारी फैमिली में ही किसी के पास कार थी, तो अपने से ही चली है गाड़ी। 2017 से लेके अभी तक वैसे कितनी चलाई है? व्हेन वी गॉट दिस कार तो ये 28,000 चली हुई थी। ओके। और राइट नाउ इट्स अराउंड 164,000। ओह, जबरदस्त। यानी कि काफी आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा गाड़ी के साथ। और आपकी डेली ड्राइवर है? ये डेली ड्राइवर है। नाइस नाइस। इसकी एट द टाइम जब आपने खरीदी थी तब क्या कीमत थी और आज जो करंट मार्केट वैल्यू वो क्या? एट द टाइम ये हमें पड़ी थी आई थिंक अराउंड 17-18 लाख की। ओके। और राइट नाउ इसकी रीसेल 28-32 के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड माइलेज। ओके। और अगर तो इसको हम थोड़ा सा मजीद पर्सपेक्टिव में डालें तो आज की जो प्राइसिंग है उसमें क्या और ऑप्शंस आएंगे? आई थिंक उस प्राइस पॉइंट में आपको सिविक रीबर्थ मिल जाती है जो काफ़ी अर्ली मॉडल है, या रीबॉर्न मिल जाती है। उसके अलावा इफ़ यू लुक इनटू टोयोटा तो आई थिंक जो अर्ली GLI का मॉडल था वो मिलेगा, वो मिल जाता है आपको। ओके। लेकिन अब ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जब आपको सिविक मिल रही है तो आप सिटी क्यों लोगे, लेकिन इस गाड़ी का जो सबसे बेहतर पॉइंट है वो इसकी फ्यूल एवरेज है। और मेरा अब आपसे क्वेश्चन इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में, डिटेल में बताएं लॉन्ग पे कैसी है, विद इन सिटी इसकी कैसी फ्यूल एवरेज है, तो ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चले। अच्छा, हम इस गाड़ी में एक बार इस्लामाबाद, एक बार नथिया गली और एक बार सवात तक भी गए हैं। सो लॉन्ग पे ये कंसिस्टेंटली 15.5-16 दे रही थी, अराउंड एट 115। ओके। उसके अलावा जो सिटी के अंदर है, अगर तो आप यूज रिंग रोड तो रिंग रोड पे ये आपको आराम से 16-17 दे देती है, मगर ट्रैफिक के अंदर अगर तो आप हल्के पैर से चलाते हो
तो एनी वेयर फ्रॉम 13 to 14 जो कि आई थिंक सिविक से काफ़ी बेहतर है एंड इवन करोला फॉर दैट मैटर. बिल्कुल. अच्छा, और फिर मेंटेनेंस भी इसकी मैटर करती है. क्या अभी तक आपने मेंटेनेंस करवाई है? जरा मुझे पता है कि मॉडिफाई तो आपने की हुई है, स्पेशली जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो तो बहुत ज्यादा विजिबल हैं. तो थोड़ा सा जो रेगुलर मेंटेनेंस है पहले उस पर आते हैं, फिर हम स्पेयर पार्ट्स पे जाते हैं. अच्छा, तो इसकी रेगुलर मेंटेनेंस तो आपका एयर फिल्टर और ऑयल चेंज हो गया, और वो लिटरली इट्स एज मच एज जो आपकी कोई भी सिविक या करोला हो गई. जो ऑयल फिल्टर है वो अराउंड 4500 का पड़ता है. ओके. और एवरी 4 to 5000 हम वो चेंज करवाते हैं. उसके अलावा इसमें जो टायर्स वगैरह मैंने देखे वो भी आपने बदलवाए? अच्छा, वो मुझे काफ़ी गिला है होंडा से. जैसे आपने कहा था इसके अंदर 175 आता था, और वो भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यूरोस्टार आता था इसके अंदर. तो जब हमने ये गाड़ी ली थी, क्योंकि ये सिर्फ 24000 चली हुई थी, तो इसके अंदर स्टॉक टायर्स थे, और वो मतलब आप एज सून एज यू क्रॉस 70-80 तो गाड़ी ऐसे मतलब इट यूज्ड टू शेक. तो उससे मतलब एक तो ड्राइवर का कॉन्फिडेंस भी शेक होता था, और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील थी. तो हमने वो एज सून एज वी बॉट द कार वी गॉट द टायर्स चेंज्ड. तो हमने दिस इज द सेकंड टाइम हम यही टायर्स ले रहे हैं, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस. ये योकोहामा के एडवन डीबी हैं 195. तो ओरिजिनली जब हमने ये पहली बार लिए थे तो अराउंड 50,000 में चारों टायर आए थे, और अभी जब लगवाए हैं तो अराउंड 88,000 के. और खर्चा तो होता है, मगर आई थिंक इट्स मेजर पार्ट ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. तो इस गाड़ी में वैसे स्टॉक अलॉय रिम्स भी आते हैं जो एस्पायर है, और उन्होंने वैसे कभी कोई इशू नहीं दिया, मगर अभी मैंने रिसेंटली चेंज कराए हैं. ये लाइट वेट रिम्स हैं, और इनसे भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हुआ. ठीक है. और उसके अलावा थोड़ा सा जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इस पर करते हैं. अब इंटीरियर में बैठे हुए आई कैन सी कि एम्बिएंट लाइटिंग भी आपने लगवाई है, तो इसका कोई बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर था? बस वो पिन टू पिन होता है कि वह अटैच किया. इसके अंदर पहले असल में आप देर आर सेवरल काइंड ऑफ एम्बियंट लाइट्स दैट यू कैन गेट. पहले मैंने लेजर वाली लगवाई हुई थी, मगर वो डे टाइम में नज़र नहीं आती थी. तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर था, सिर्फ दरवाज़ों का होता है कि वो खुलने पड़ते हैं, तो वो इंस्टॉल हो गया था. और बाकी इस गाड़ी में जो बाकी भी कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन हैं वो मेनली इस तरह की हैं जो आजकल की गाड़ियों में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉग लैम्प्स नहीं थे इसके अंदर, वो भी मुझे आफ्टर मार्केट लगवाने पड़े थे. DRLs, वो डायनामिक DRL लगवाया था, वो भी किसी भी इस शेप की सिटी में नहीं आता था. उसके अलावा स्पॉयलर था, और स्प्लिटर तो आगे वो वैसे नहीं आता किसी गाड़ी में, मगर वो मैंने लगवाया था. और जो इसका आपने मफलर चेंज किया हुआ है, उसका क्या वजह थी? डू यू थिंक परफॉर्मेंस गेन से? क्योंकि वैसे वो तो मिथ है. नहीं नहीं, परफॉर्मेंस गेन तो बिल्कुल भी नहीं होता. मुझे असल में सिर्फ मतलब बीइंग कार एंथूजिएस्ट, एग्जॉस्ट की आवाज़ ज़रा मुझे ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि इसकी आपने भी चलाई हुई, इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं है. तो सिर्फ इसका वो मफलर हुआ था, उसके ऊपर एग्जॉस्ट टिप लगाई थी, तो परफॉर्मेंस गेन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. बट इट वाज फॉर मी इट वाज एन अल्टरनेटिव टू स्ट्रेट पाइपिंग द कार, क्योंकि मेरे लिए एवरीडे कार है, और स्ट्रेट पाइप आप एक बार करवा लो तो घंटे से ज्यादा बंदा नहीं बैठ सकता. एग्जैक्टली. और दूसरा ये कि अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फर्दर जो ट्यूनिंग है वो भी होगी, या बस ये इस पे रोकते हैं अब? ऑनेस्टली, जब तक 300 तक था पेट्रोल तो मैं सोच रहा था, बट अब असल में क्योंकि एवरीडे कार है, और मतलब साल में 12 से 15 हज़ार चलती है गाड़ी. और आई डोंट प्लान ऑन सेलिंग दिस सून, बिकॉज इसने मतलब लोग यूजुअली कहते हैं कि होंडा टोयोटा वाली रिलायबिलिटी नहीं देता, मगर आई हैड नो इश्यूज विद दिस कार एंड इट्स बीन क्वाइट रिलायबल. तो मेरा प्लान नहीं है बेचने का. Nice. तो देखते हैं. चलो ठीक है. तो ओवरऑल अगर तो हम इस पूरे ओनरशिप एक्सपीरियंस को सम अप करें, तो Do you think के कोई regrets हैं या बस ये जबरदस्त decision था? नहीं, absolutely no regrets. I think जो उस time पे main दूसरा option था हमारा, it was the GLI 1.3. और वो गाड़ी मुझे personally underpowered लगती है. उसके अंदर बैठने की space ज़रूर ज़्यादा थी, and I think the only time you should go for that is if you're getting a first job की मेन पहली कार है, क्योंकि एज अ फैमिली कार इट्स अ मच बेटर ऑप्शन. मगर क्योंकि ये हमारे लिए सेकंड कार थी, और ये मेरी मतलब यूनिवर्सिटी के लिए थी, तो इकोनॉमिकल भी ज़्यादा थी उससे, और परफॉर्मेंस वाइज उससे ज़मीन आसमान का फर्क है. सही. सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा एक ऑनर्स रिव्यू, और उसके अलावा हमने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 मैनुअल सिटी, जो इससे पहले हमने अपने चैनल पे अभी तक फीचर नहीं की हुई है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, और अपनी राय हमसे शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.